मैं वो आपके लिए सूप बना कर लाई थी। थैंक यू विधि। पता है देव, आज तो विधि ने जैसे चमत्कारी कर दिया, अभी को बचाया, कैसे इसने उसे संभाला और उसे कंट्रोल में रखा। हम सब तो डर गए थे, तू भी घर पे नहीं था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई। देव अभी इतने डिप्रेशन में था कि सुसाइड करने गया। उसका और प्रिया का रिश्ता बस खत्म ही होने वाला था। विधि जब से आई है, एक मिनट उसने चैन की सांस नहीं ली। हमारे परिवार की मुसीबतों को बस संभालने में लगी हुई है। और तू बस हम सब लोग के लिए परेशान रहता है। नजर ही लगी है ना, और कब तक ऐसे चलता रहेगा? ओहो, इन मदर इंडिया और मुर्मा, अभी आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई वो सॉल्व भी तो हो गई, इसलिए प्लीज आप दुखी मत होइए। ओके, ऑल इज वेल। फिल्मी डायलॉग मत मार। मम्मी जी, देव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जब उदास होती है ना तो पूरा घर उदास लगता है, लेकिन जब आप मुस्कुराती है ना तो पूरा घर खिलखिला उठता है। तो प्लीज मुस्कुराइए। तुम सब लोग खुश हो, उसी में मैं खुश हूँ ना। आपने कोई बुरा सपना देखा? रुकिए, ये लीजिए, पानी पानी पी लीजिए। सपना नहीं विधि, ये सच्चाई है। एक जो मेरा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरे जहन से वो रावजी भाई का चेहरा बाहर ही नहीं आ रहा। वो बार बार ये लग रहा है कि मैंने नहीं नहीं देव जी, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। आप प्लीज खुद को इतना स्ट्रेस मत दीजिए। देव जी, जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत ही बुरा हादसा था, बस और कुछ नहीं। मैं क्यों था वहां पे? मुझे नहीं होना चाहिए था वहां पे। देव, मुझे क्या हो गया है मुझसे? मुझे आपकी सीख आप ही को समझाते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि नहीं आते यहाँ। ये वक्त आपने मुझे क्या कहा था जब मैं गिल्ट में थी कि जो खो चुका है उसका शोक मनाने से बेहतर है कि जो हमारे पास है बच गया है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। देव जी, सोचिए अगर आपकी जगह कोई और इंसान वहां होता तो क्या वो रावजी भाई को अस्पताल ले जाता? क्या मैं वहां पहुंच पाती? क्या मैं जय को अस्पताल ले आ पाती? देव जी, आपने क्या किया है, आपको आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपने राव जी भाई को उनके बेटे से मिला दिया। देव जी, आप ही मुझे कहते हैं ना कि एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो सोचिए, आज आपने जय को उसके पिता से मिला दिया। देव जी, आप वहां थे क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे। प्लीज आप अपने मन को शांत करके सोने की कोशिश कीजिए। चलिए। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।